झगड़ाओं में पंजाबी अखबार के सीनियर पत्रकार सुखदेव गर्ग के घर पर जाकर उनकी पत्नी पर कातिलाना हमला करके एक आदमी फरार हो गया। वहीं सुखदेव गर्ग की पत्नी को जगराओं के कल्याणी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें डॉक्टर्स द्वारा लुधियाना के दयानंद हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इस मौके पर मिली जानकारी के अनुसार सुखदेव गर्ग पत्रकार के भाई जितेंद्र गर्ग ने बताया कि ये घटना आज सुबह की है और उनकी भाभी पर एक अज्ञात आदमी ने घर में घुसकर हमला किया है। वहीं जगराओं पुलिस के डीएसपी सरदार कन्वर पाल सिंह बाजवा ने बताया कि पुलिस की सारी फोर्स ने सिटी में नाकेबंदी की है और घर की बारीकी से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज तकरीबन 11:30 बजे तकरीबन एक कोई आदमी मेरी भाभी को आया, कहीं भी थोड़े हसबेंड के साइन करवाने कोई कोरियर आया है थोड़ा, तो मेरी भाभी अंदर ले आए भी चाह जूस वगैरह पिलाया, पानी पिलाया। तो इस दौरान उन्होंने चाकू अंदर आ शर्ट के बचों कढ़िया, तो चाकू कढ़ के भरजाई के बार किया, बार जो किया दरवाजा बंद कर लिया उन्होंने, तो पांच जगह बार किया, बार करने तो बाद फरार हो गया। इस बारे कुछ नहीं पता है जी, क्योंकि भाभी ही दस सकते हैं। पुलिस आई है, पुलिस एस पी साहब आए थे, एस एच ओ साहब नहीं आए गए, बाकी अफसर साहबान आए आ, तो हम फिंगरप्रिंट वाले आए हैं। देखो जो सरकार तो मांगते ही, देखो जी साढ़ा तो यही है, जो पुलिस वाले चाहो तो मंदिर को चप्पलों जरूरी हो, सू तो यही है भी बात मतलब वो बंदे को फड़िया जाए, सब तो सख्त सजा दी जाए, आप साढ़े हवाले किया जाए, असर दसा भी चोरी किमें करनी है। अच्छ सू इनफोरमेसन मिली सी ये संबंध में, जोड़े असी इतने घर आज देखा जी लेडी है उन्होंने डी एम सी दाखिल कराया हुआ, साड़ी जी पुलिस है उत्थे स्टेटमेंट वगैरह लिखण गई है, तो उस तो बाद असी जी इनवैसटीगेशन असी जी फिर अगे लिया के असी सारी कार्रवाई कर रहे हैं, शक्की बंद सारे पास असी अपने पुलिस अलर्ट कर दी है, तो नाके वगैरह स्पैशल भी ला दते हैं, शक्की बंद चैक किया जा रहा है, छेती ही असी इस जो केस है सॉल्व कर रहे हैं। नहीं असी पूरा नत्थ पा रहे हैं, कोई जरा भी कोई हुई है असं ट्रेस कर देंगे छेती, असी बंदा ट्रेस कर लेंगे, ठीक, और सज़ा दवावे।